नमस्कार, एशियानेट हिंदी न्यूज में आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी। महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना प्रचार करने में जुट चुकी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश को चांद की नहीं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जरूरत है। आखिर महाराष्ट्र में किन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है और इसके सियासी मायने क्या हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी। पटेरिया जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि प्रचार बेहद शुरू हो चुका है, आक्रामक तेवर दोनों ही पार्टी अख्तियार कर रही है। देखिए, वास्तव में महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसमें वहाँ पर नौजवान मतदाताओं की संख्या 55 से 60 फीसदी के आसपास तक होती है, 40 साल के नीचे के। उन नौजवानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो रोजगार की समस्या है। और राहुल गांधी ने उस रोजगार की समस्या को हैमर करने की कोशिश की है। उन्होंने तुलना की है कि हम चंद्रयान की तुलना में नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार के बिना चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कलगी भी उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी कि आपकी रोटी भी महत्वपूर्ण होती है। कलगी आपको स्वाभिमान देती है, स्वायत्त देती है, और रोटी आपका पेट भरती है। दोनों के बीच एक रिफाइंड बैलेंस हो तो चीज़ें बहुत साफ होती हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से चटखारे लिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर प्रतिपक्ष जिस तरह के हमले करता है उसमें वो वादा करे कि वो जब सत्ता में आ गए तो धारा 370 को वापस ले आएंगे और 3 तलाक को वापस ले आएंगे। दरअसल एक ऐसे बिंदु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुआ है जो कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता है कि वो सरकार में आए तो वो 3 तलाक को वापस ले आएंगे। ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से सती प्रथा को वापस लाने की बात है। 370 अब विगत की बात हो गई और चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। यू कांट रिवर्स द थिंग्स, आप चीज़ों को पीछे नहीं ले जाते, घड़ी की सुइयाँ पीछे नहीं घूमती हैं। दूसरा, राहुल गांधी की उम्मीद नौजवान मतदाता हैं। उनको मालूम है कि भले उनका संगठन कमजोर पड़ गया हो, तिरोहित हो गया, पूरे देश में कमजोर हुआ है, उनके नेताओं में बहुत झगड़े हैं, चाहे वो वहां पर मिलिंद देवड़ा हों, चाहे संजय निरुपम हों, चाहे हरियाणा के अशोक तंवर की बात करें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कलह प्रारंभ हो गई है। जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप कहते हैं सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। राहुल गांधी इसलिए सीधे नौजवानों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है 55-60 फीसदी जो नौजवान हैं वो रोज़गार के लिए हैरान परेशान हैं। दूसरा, महाराष्ट्र की एक और बड़ी समस्या है, रोज़गार इसलिए उनके साधन कम हो जाते हैं कि बाहरी राज्यों के लोग भी पहुँचते हैं, तो बाहरी राज्यों का जो लोगों का मुद्दा है वो शिवसेना उठाती, कभी MNC उठाती है, और उसके बीच में अगर सिर्फ नौजवानों की बात करें तो वो सिर्फ कांग्रेस ने की है। उनके फोकस पॉइंट पर नौजवान हैं, महिलाएं हैं और किसान हैं। इसे सभी वर्गों को पोषित करने की, उनको केंद्रित करने की बातें राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम के द्वारा की जा रही है। सर, इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार जो प्रमुख मुद्दे हैं, हमने देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ था, इस बार बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी? मुझे लगता है बीजेपी और शिवसेना के पास में मुद्दे बहुत साफ हैं। उनके सामने 5 साल की महाराष्ट्र की सरकार का अपना परफॉर्मेंस है, कार्य योजना है, और दूसरे उनके सामने जो सबसे बड़ा सपना है या दिखाने के लिए सपना ही कहूँगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल सारे मुद्दे बहुत छोटे हो गए हैं, अब सिर्फ बात हो रही है नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस की, भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस की, धारा 370 की, 3 तलाक की। दरअसल फोकस शिफ्ट हो गया है। पहले जो प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन होते थे, उसमें जो फोकस है वो स्थानीय मुद्दों की तरफ होता था, राज्य पर होता था, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उनमें फोकस ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया है। प्रधानमंत्री की आवाज़ सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा कि आप ताकत हो तो आप धारा 370 को वापस लाने की बात करिए, 3 तलाक को वापस लाने की बात करिए, यानी अल्टीमेट चैलेंज हो रहा है। दूसरा, राज्य के मुद्दे निश्चित तौर पर होते हैं, जाति का क्षेत्रीय गणित भी अपनी तरह होता है, और उनको सबको साधने की लगातार कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है इस बार बीजेपी, शिवसेना के बाद में NCP को महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएगी। बिल्कुल पटेरिया जी, संजय निरुपम को हमने देखा कि जिस तरह से वो खुलकर सामने आ गए, ये जो कला है कांग्रेस को नुकसान पैदा कर सकती है चुनाव में? निश्चित तौर पर डिवाइडेड हाउस जब होता है, घर बिखरा हुआ होता है, तो आपका जो प्रतिद्वंदी है उसको काम करने में आसानी हो जाती है, उसको आपके खिलाफ मोर्चा खोलने में आसानी हो जाती है, और यही कुछ मुझे लगता है महाराष्ट्र में हो रहा है। कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर हो गई है। दरअसल
उत्तर भारतीय जिनको वहाँ भैया किया जाता है, उनकी राजनीति करने वाले लोग अलग हो गए हैं। कृपाशंकर सिंह उसके पहले अलग हो चुके हैं। आप याद करिएगा, कोई एक अकेले संजय रूपम नहीं है, उसके पहले कृपाशंकर सिंह भी दामन छोड़ चुके हैं। उत्तर भारतीय किनारा करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ जा रहे हैं। एक महिला जिनका नाम प्रियंका चतुर्वेदी, वो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना का दामन थाम चुकी हैं। तो एक बड़ी सीरीज मौजूद है जो, और ये तभी होता है जब आपको लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ आपका भविष्य नहीं है। बिल्कुल, तो अगर घर बिखरा हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही स्थिति कुछ महाराष्ट्र में कांग्रेस की देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस तरह से अब बीजेपी पर हमले करती है, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा फोकस महिलाओं और नौजवानों पर है। यह कहना है राजनीतिक मामलों के जानकार शिव अनुराग पटेरिया जी का।